Hi everyone, welcome on board. In एवरी वन वर्कम ऑन बोर्ड इन दिस वीडियो अबाउट वॉच गॉन बी daily डेली शेड्यूल और rituals यार जितने भी बड़े लोग होते हैं उन की जिंदगी के अंदर daily rituals होते हैं daily, daily schedule होता है वो लोग क्या लोग crack करते हैं और सब कुछ जब उनका बढ़िया रहता है तो देखो motivation कुछ नहीं होती यार हाँ लोग बोलते सर मुझे motivate करो मुझे motivate करो यार motivation जैसे ये सब fake word है यार is not a great word. Motivation मोटिवेशन रहती है एक दिन के एवरी डे हमें बचपन से बोला जा रहा है कि भाई डिसिप्लिन क्या होता है किसी ने सिखाया नहीं आया एक चीज पर तुम एक टाइम पर रोज जो चीज रिपीट करते हो वही तुम्हारा सक्सेस खिलाता है इसलिए बॉयज एंड गर्ल्स आई एम गट टॉक बॉड योर डेली रिचुअल्स वॉट टॉपर्स डू एज वेल और सब कुछ बढ़िया रहा ना तो तुम्हारा भी अगले साल मुझे ऐसा मैसेज आना चाहिए मैं अभी व्हाट्सएप चेक कर रहा था अजय से बात हो रही थी अजय ने मुझे मैसेज किया था थोड़े दिन पहले हाई सर रिसीव कॉल फ्रॉम लखनऊ इंदौर एज वेल एज वेल नाउ हैड रिसीव ए कॉल फॉर आई एम अहमदाबाद ऑलरेडी पहले अहमदाबाद का गया बाद में लखनऊ इंदौर

नहीं तो मैं फाड़ दूंगा तुम्हें तो <laughs> बहुत ही प्यारा बच्चा यू नो वंस यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स वंस यू से स्टूडेंट विद दस तो ना एक रिलेशनशिप बन जाता है टीचर का यार जब मैं मैं ऐसी बातें कर सकूँ नहीं मैं तो फाड़ दूंगा यस yes, सर धमाल मचा देंगे फॉलो योर टिप्स एंड एनी सजेशन एंड देन आई गिव लास्ट मिनट सजेशन तो भाई एक तो मोटिवेशन इतनी रखना कि अगले साल तुम्हारा स्क्रीनशॉट मैं ऐसे दुनिया को दिखा रहा हूँ कैट ट्वेंटी वालों को दिखा रहा हूँ कि ये देखो लॉन्डा इसने मुझे फॉलो किया एंड नाउ इज देयर और ऐसा एक नहीं है यार ऐसे मोर देन थाउजेंड प्लस पीपल है नेवर द लेट बॉय दिन गर्ल लेट स्टार्ट द वीडियो एंड आई वॉन्ट टॉक अबाउट डेली रिचुअल्स ऑफ कैट पहली बार डिसाइड कर ले तो दिन में कितने घंटे लगा सकता है मैं ओनली टीचर इन द कंट्री होगा जो तुम्हें बोलेगा एक से दो घंटे पढ़ना है बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना ठीक है, है हम सिर्फ 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 और ये सिर्फ मार्च अप्रैल मई तक वैलिड है अगर तुम लोगों ने ये बात सुन ली डेली रिचुअल फॉलो कर लिया तो सुबह पाँच बजे उठ रहा है छः बजे उठ रहा है रात को कर रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट उस टाइम पर तो कोई और काम नहीं कर रहा है एक घंटा बिल्कुल रिलीजियसली तो फॉलो करेगा जो मैं तेरे को बोलूँगा पढ़ने के लिए मैक्सिमम दो घंटा उससे ज़्यादा ना पढ़ बिकॉज यार अप्रैल मई के बाद तो सॉरी मे जून जुलाई के बाद तो मैं तुम्हारी लाइफ झंड कर देने वाला हूँ हम ज़्यादा पढ़ेंगे ठीक है और अगस्त सेप्टेबर में तो और ही पढ़ेंगे धीरे धीरे स्टार्ट करो यार जब लोग तुम जिम भी जाते हो ना जिम में भी जो इंसान होता है ट्रेनर वो तुम्हें पहले एक हफ्ता तो तुम्हें टाइम पास करवाता है या थोड़ा साइकिलिंग कर ले पीपल होव बीन टू दि जिम दे नो वट एम टॉकिंग अबाउट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैनेजिंग मैनेजंगर कॉलेज एंड जॉब बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है सर कॉलेज के साथ मैं कैसे करूं? कैसे एग्जामिनेशन देखो भाई इन योर एंटायर लाइफ बी टाइम्स वेयर वन वीक ऑफ तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा तुम लोग मुझे पता है इंजीनियर तो घंटा नहीं पढ़ते एक हफ्ता तो बहुत हो गया इनके लिए पढ़ने के लिए बट ठीक है तुम एक हफ्ता पढ़ लेना बाद में मुझे मत बोलना राहुल सर ने बोला था पढ़ाई छोड़ दो एक वीक ऑफ प्रिपरेशन ऊपर नीचे गायब हो सकते हो तुम लोग जो लोग एटकिंग ज्वाइन करते हैं मैं उनको बोलता हूँ वन वीक तुम गायब हो सकते हो दो हफ्ते मत करना वो डिसिप्लिन की वाट लग जाएगी एक बार तुम लोगों ने आदत डाली वर्कआउट करने की तो यार वो रोज करना है एक दो घंटे जो मैं अपने बोलने वाला हूं और ये मार्च अप्रैल मई मंथ तक ठीक है नो इट ऑल अप्रोच रखो मुझे सब जानना है मुझे सब करना है मुझे पूरा का पूरा सिलेबस एक बार एंटायर सिलेबस देखना है मैं प्रॉमिस करता हूं जो बंदा मेरी बात सुनेगा सुने मैं तुम्हें डेली स्केड्यूल बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर डे बाय डे क्या करना है पूरा का पूरा पर भाई मार्च तक पूरा का पूरा, पूरा एक बार सिलेबस खत्म करके और मुझे, मुझे एकदम लास्ट बता देना कि सर मेरी वीकनेस ना नाटेशन कॉम्बिनेशन रह गया हाँ मेरी वीकनेस ना ये जब लंबा आरसी आता है ना तो सर गलती हो जाती है या फिलोसफी बेस्ड आरसी आता है तो

आपके पास कोई भी किताब है सब किताबें चलेगी बींग ऑनेस्ट एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट डॉज अ ग्रेट जॉब ऑन दर बुक्स वी ऑल शू डू अ ग्रेट जॉब मैं आपको दिखाऊंगा पीपल हु जॉइन कैट किंग वी गिव यू समथिंग कॉल एज बूस्टर बुक्स वो बूस्टर बुक्स काफी काफी अमेजिंग रहती है वो बूस्टर बुक्स का बूस्टर बुक्स बहुत ही प्यारी प्यारी किताबें हैं चौबीस लेसन बूस्टर बुक्स के हैं तीन लेसन डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं काफी अमेजिंग अमेजिंग किताबें हैं ये हम किताबें देते हैं उन लोगों को लॉजिकल रीजनिंग है वर्बल एबिलिटी है और ये सब कुछ ऑनलाइन है अच्छा बाय द वे यार ऑफलाइन पढ़ाई करनी बंद कर दो हाँ ऑफलाइन पढ़ाई करनी बंद कर दो सर मेरे को तो हाथ में किताब पढ़ के समझ आता है मैंने अरुण शर्मा लेके बैठा हुआ बेटा सारा एग्जाम ऑनलाइन हो गया है मैं सच्ची बता रहा हूं भगवान मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं चलो, भगवान तुम्हें दस नंबर एक्स्ट्रा देगा अगर तू अपने आप को दिमाग को एक महीना लगा के मूव कर सकता है ऑनलाइन पढ़ने में डिजिटल पढ़ने में तू मोबाइल पढ़ कहीं भी पढ़ प्रेफरेबली ऑन लैपटॉप लैपटॉप नहीं है तो बैग बोरो स्टील और एक लैपटॉप पापा से दिलवाई दे नोटबुक आ जाती है यार ग्यारह बारह के अंदर लैपटॉप की अच्छी नोटबुक क्रोम वाली भी आ जाती है बहुत ही अमेजिंग आ जाती है पंद्रह हजार में अच्छा लैपटॉप भी आ जाता है एथलॉन कर दूंगा तुम्हें कौन सा लेना चाहिए तुम्हें टल हाइएस्ट पॉसिबल तुम्हें मैकबुक नहीं खरीदना एक बेसिक किताब जहाँ पे स्क्रीन चल पाए तो बॉयज एंड किताबें रिकमेंड करता हूँ जो भी किताब तुम्हारे पास है तुम एक्स कोचिंग की हो तो बूस्टर बुक्स ही फॉलो follow करना फॉर्ड बाई प्राइमर बुक्स उसके बारे में बताता हूं अच्छा भाई डेली स्केड तो एक घंटा दिन में सेपरेट आउट कर ले रोज छुबे उठ के रीडिंग कॉम्पिटिशन कर ले ठीक है रोज सुबह उठ के आरसी कर ले कितने आरसीज करने दो आरसीज करने कहां से आरसी करने प्रेफरेबली अगर कैटकिंग स्टूडेंट हो तो बूस्टर बुक नहीं तो तेरे पास जो भी किताब है वो वाली किताब लग के दो आरसीज कर ले सर मेरे पास कोई किताब ही नहीं है तो इनसेसिस पढ़ना शुरू कर दे ये योनिस एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है फ्री वेबसाइट है अवेलेबल है सब लोगों के लिए मैं आपको दिखा देता हूं ये काफी अमेजिंग है बड़े लंबे चौड़े रीडिंग कॉम्पिनेशन आते हैं इसके अंदर रीडिंग कॉम्पिनेशन नहीं होते बाय डेमोक्रेसी के ऊपर एक लर्निंग का एक आर्टिकल आ जाएगा काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल होता है बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल होता है यहाँ लिखा भी होता है देखो थ्री हैं बट है वर्ड से डरना नहीं हंड्रेड वर्ड पर मिनट की अगर आपकी स्पीड है कैट के अंदर अपने को नहीं चाहिए, तुम एक पढ़ सकते हो, बोलूंगा रोज का एक आर्टिकल पढ़ना है, है अगर अभी पढ़ सकते हो बहुत ही अमेजिंग है एंड यू गॉन्ट बी सॉर्टेड फॉर श्योर ठीक है मूविंग इन फॉर्व तो भाई दो आरसीज करो प्रेफरेबली अगर आपके पास हमारी किताबें है तो अच्छी बात है नहीं तो कोई भी है, सीधा पढ़ना शुरू कर को अंदर ही अंदर स्ट्रॉग करेगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा तू कैसे स्ट्रॉग होता जाएगा बिकॉज कैट का सोर्स वन ऑफ द इंपोर्टेंट सोर्स को याद रखना पंद्रह से लेके अप्रैल पंद्रह तक आपको क्या करना है आगे बढ़ते हुए दो डी के सेट रोज करो ये करना है, है दो सेट बनाओ एक बारोग्राफ कर लिया एक पाई चार्ट कर लिया आराम से क्वेश्चन आंसर देखे वो सेट करते, -करते अगर को प्रॉब्लम दिखी है या नया कैलकुलेट करना है परसेंटेज बेसिक वाला परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मुला क्या होता है तुम लोगों ने प्लस माइनस

यू फील वेरी गुड अबाउट ठीक है डीआई के दो सेट्स करो और एल आर की दो पजल्स कंटिन्यू रखो ठीक है जो लोग घर पर के कर रहे हो एल आर की दो पजल्स कंटिन्यू रखो ये क्यों करना है मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं देखो भाई आर सी के कितने क्वेश्चन आने हैं इस बार जब हमारे छब्बीस क्वेश्चन आए थे कैट के अंदर वो छब्बीस में से सोलह क्वेश्चन वर रीडिंग कॉम्प्रिय ठीक है मेरी जान सोलह क्वेश्चन रीडिंग मतलब सिक्सटीन परसेंट सिक्सटीन परसेंट जो टोटल भैया सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन थे कैट के अंदर देख रहे हो तो वन फोर्थ के आसपास का कैट इज रीडिंग कॉम्प्रीशन भाई इसके ऊपर आधा घंटा लगाना बनता है हाँ पंद्रह मिनट से आधा घंटा लगाना बनता है डीआई की बात करें तो डीआई में भी ऐसे ही हुआ था डीआई में बारह क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ चौबीस क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाफ फ ऑफ द होल सेक्शन एल आर की बात करें एल आर में सिर्फ पदल्स आती है कैट के अंदर कोडिंग डी कोडिंग फलाना ढमकाना डायरेक्शन वगैरह पढ़ना बेकार है पढ़ना ठीक है जरूरी है इन द ओवरऑल गैमेट ऑफ थिंग एंड मैट के लिए हम कैट केंगे मैं आपको भी कैट के बारे में सेशन बता रहा हूं कैट के लिए बड़ी बड़ी पदल्स राम इज फ्रॉम बैंगलोर एंड ही नोज भांगड़ा राहुल इज फ्रॉम पंजाब ही नोज कथक टिक क्रॉस वाले उल्टा होना चाहिए वैसे पर तुम लोग समझ गए हाँ टिक क्रॉस वाले बड़ी बड़ी पदल्स जो आती है वो पजल्स करनी है दो पदल्स रोज की करनी शुरू करनी क्यों ये बारह क्वेश्चन अन आने वाले हैं 24 क्वेश्चन में से अब तू ध्यान से मेरी बात सुन 16 क्वेश्चन तूने अटैक कर लिए पेपर के यहाँ पे 12 क्वेश्चन तूने ये अटैक कर लिए और 12 क्वेश्चन तूने ये अटैक कर लिए ये कितना हो गया 24 ये हो गया 24 और 16 40 हो गया भाई ये 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 76 क्वेश्चन को तू रोज अटैक कर रहा है हुँ? रोज अटैक कर रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए और ये ऐसे टॉपिक हैं जिस पे बच्चा ध्यान नहीं देता तुम्हारे सामने किताब खुली रहती है हमेशा क्वांट की मानते हो कि नहीं पूरा साल तुम लोग क्वांट पढ़ते जाओगे क्वांट पढ़ना जरूरी है पर क्वांट इंक्रीमेंटल है क्वांट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर छब्बीस चैप्टर है जो कभी खत्म ही नहीं होंगे जो कभी खत्म ही नहीं होंगे बच्चों ये भी करना जरूरी है पर इंक्रीमेंटल रखना इसके साथ रोज के दस सवाल बना लिए क्वांट के ठीक है बीस सवाल बना लिए या सॉल्ट एग्जांपल कर लिए अगर बूस्टर बुक है तुम्हारे पास तो बूस्टर बुक्स के बीस बीस सवाल रोज के बनाने शुरू कर लिए ये एक घंटा एक्स्ट्रा सुबह उठ के एक घंटा तुम ये कर लेना और क्वांट के लिए रात का एक घंटा लगा के छोड़ दे इसके साथ अगर तुम लोगों ने ये किताब नहीं खरीदी तो मारूंगा पकड़ के नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेडी दी एक सौ किताब है बड़ी प्यारी किताब है मेरे सामने पड़ी होगी दो दो हजार एक एडिशन की नॉमल लिस्ट मेरे इंजीनियरिंग टाइम की मेरे पास किताब पड़ी हुई है दो हज़ार एडिशन की बहुत ही अमेजिंग किताब है ये किताब लेके फिफ्टी वोकैबरी वर्ड्स पर डे आपको पढ़ने ही पढ़ने सच्ची बताऊं ये आपको एक महीना करने की जरूरत है एक महीना तुम लोगों ने फिफ्टी वोकैबरी वर्ड्स अगर रोज करने शुरू कर दिए ना बेटा पेन और पेंसिल लेके नोट कर लिए तूने उन्हें पंद्रह सौ वर्ड हो जाते हैं उसके बाद पता है क्या है तेरे को ना वोकैबली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तेरा दिमाग ऑलरेडी वर्ड्स को ब्रेक करना शुरू करेगा ऑलरेडी उसको एनालाइज करना शुरू करेगा बहुत ही अमेजिंग तरीके से तेरे को काफी मजा आना शुरू हो जाएगा ठीक है अगर नॉर्मल लुइस खरीद ली है या नहीं खरीदी दो तरीके हैं भाई एक तो नॉमल लुइस मैं अपने बच्चों को बैठ बैठ के करवाता हूँ पूरी की पूरी किताब करवाता हूं एक महीना लगता है अप्रॉक्सीमेटली आठ क्लास लगती है नॉमल लुज किताब हमारी खत्म हो जाती हर सेशन के अंदर मैं पांच छः लेकर आठ सेशन तक एक सेशन में कवर करता हूँ पर एक ये किताब करके सर याद नहीं

है। जैसे वो जिम वाला अगर तुम जिम गए हो तो जिम वाला एक कार्ड बना के देता है ना कार्ड के ऊपर लिख के देता है आज दो एक्सरसाइज ये करनी है दो एक्सरसाइज ये करनी है you know, आठ स्क्वाट मारने हैं यू नो आठ आठ के रेपिटिशनज मारने हैं वैसे ही मैं आपको बना के दे रहा हूं सपोज करो पंद्रह मार्च से तुम लोग स्टार्ट करो ओ बाय दिस बैच इज स्टार्टिंग टुमारो व्हिच इज ऑन मंडे एवरी मंडे दिज बैच यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेन यू वॉन्ट बट सुन लो पहले नॉन इंजीनियर्स वेदिक मैथ्स परसेंटेज एवरेजेज रेशियोज करोगे ठीक है किताबों को हाथ मत लगाना कोई किताब नहीं करनी पहले वैदिक मैथ्स ढूंढो यूट्यूब पर वीडियो है तो यूट्यूब पर ढूंढो अगर कैटकिंग ज्वाइन करते हो मुझे एक घंटे का टाइम चाहिए रोज शाम को सात से लेकर आठ बजे तक एवरी डे इतना कमिटमेंट तुम्हारा है कि नहीं नीचे मुझे कमेंट बता कमेंट करके बताना कितना घंटा तुम लोग रोज पढ़ रहे हो अभी एंड आई यू फीलिंग गुड अबाउट इट एज वेल ठीक है सात से आठ बजे वेदिक मैथ्स परसेंटेज एवरेजेस विल मेक यू फॉल इन लव विद विज ज एक नॉन इंजीनियर से हेट्रेड होती है यार तभी तो इंजीनियरिंग तो छोड़ के लिए कई नॉन इंजीनियर इंग्लिश क्वान अच्छी होती है नंबर वन वैदिक मैथ्स खत्म करना है उसके बाद मैं तुम्हें तो मॉड्यूल में डालूंगा मॉड्यूल का मतलब मैं तुम तो बोलूंगा चल बेटा इस हफ्ते जोमेट्री का मॉड्यूल है अब लग जाओ और जोमेट्री के मॉड्यूल को खत्म कर अब लग जाओ जोमेट्री के मॉड्यूल को खत्म कर और ज्योमेट्री का मॉड्यूल फाड़ के खत्म करना है एक बार ज्योमेट्री का मॉड्यूल होगा मैं तेरे को बोलूंगा चल बेटा अभी नंबर सिस्टम करेंगे नंबर सिस्टम का एक हफ्ता तेरे को मिलेगा एक हफ्ते में नंबर सिस्टम पूरा खत्म करना है बाय द वे ये होगा रात को दस से ग्यारह दस से ग्यारह दस से ग्यारह घंटा दस से ग्यारह दस से ग्यारह मेरा है नंबर मॉड्यूल हो गया नंबर मॉड्यूल के बाद एल्जेब्रा मॉड्यूल करेंगे एल्जेब्रा मॉड्यूल के बाद यार पांच मॉड्यूल है सारे के सारे सच्ची बताऊ तो क्वांट के अंदर एक एक हफ्ता लगा के निपट ले सारे के सारे मतलब विफ्ट तेरे को आ जाएगी कोई इजी क्वेश्चन कैट में आया तो वो सॉल्व करके

अंदर लाल रंग है उसका नाम है डी उसके अंदर तेरे को डाल देंगे और तो एकदम रंग के बाहर आएगा फिर मॉडर्न मैच इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टिट्यूट एंड में कराती हैं मैं आपको 40 दिन के अंदर मॉडर्न मैथ भी करवा दूंगा तुम्हारे धुएं भी उड़ जाएंगे सब मजा आएगा भाई क्या हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा डिस्कस्टिंग uh, टॉपिक है नॉन इंजीनियर्स हेट देम एंड सम इंजीनियर्स लव दिस टॉपिक फॉर श्योर और आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने एल से छह क्वेश्चन आने वाले हैं इस हफ्ते में तेरा टारगेट रैंडमली नहीं पड़ रहा इसलिए मैंने इक्वल एलोकेशन ऑफ टाइम किया अब एलआर इतना बड़ा मॉड्यूल है चौबीस क्वेश्चन है तो ये तो अपन सारा साल करते रहेंगे सिमिलरली मॉड्यूल इसको बोलते हैं फॉर्डी डेज चैलेंज अगर तू बहुत सीरियस है अपनी प्रिपरेशन के बारे में यू गस कैन ज्वाइन दिस फॉडी डेज चैलेंज मैं इसके साथ तुम्हें तो दो काम दूंगा पहली बात तुम लोगों को क्या करना है एक तुम्हें इस डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा ये बच्चों ने बहुत सुना होगा तुम लोगों ने डैशबोर्ड डैशबोर्ड क्या है डैशबोर्ड इज कैट किंग वन डैशबोर्ड इसके अंदर मैं तुम्हें किताबें दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके में इसके अंदर पहले बूस्टर बुक्स हैं बूस्टर बुक्स के बाद तेरे बात आएंगी कैट किंग की प्राइमर बुक्स और उसके बाद एनमेट जब आ जाएगा तो एनमेट की मैक्सिमाइजर बुक्स भी आएंगे ठीक है बूस्टर बुक्स में सारे टॉपिक बहुत ही बहुत ही प्यार से लिस्टेड है एक टॉपिक उठाना है जैसे अच्छा बाय कोचिंग ऐसा नहीं टीचर कुछ और पढ़ा रहा है तुम कुछ और कर रहे हो सिर्फ फॉर एक्साम्पल नंबर सिस्टम मॉड्यूल से तुमने शुरू किया अब नंबर सिस्टम मॉड्यूल में टीचर पढ़ा रहा है भाई चार किताबें पतली पतली हफ्ते में नंबर सिस्टम निपटाना है दटर टारगेट ठीक है दैट्स योर टारगेट सिमिलरली जब अर्थमेटिक मॉड्यूल आएगा तेरे को मैं चार किताबें पांच किताबें दूंगा अर्थमैटिक मॉडल की धीरे 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 के खत्म कर ले फर्स्ट वन वीक में वैदिक मैच परसेंटेज एवरेज रेशियोज करेंगे तो यार तेरे पास तीन प्यारी प्यारी किताबें हैं परसेंटेज एवरेज करके खत्म दे तो भाई बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना है तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज हो जाएगी नेक्स्ट जब तुम्हारी प्रिपरेशन होगी तुम लोगों ने ऐसा पढ़ लिया यू यूएस कैन गो एंड गिव टॉपिक वाइज टेस्ट एज वेल टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद द बेस्ट थिंग ऑफ कैट किंग इज ऑल्सो द रियल कैट मॉक्स वी कॉल इट द एक्सपेक्टेड आरसीज आपको 19 टेस्ट मिलेंगे ये बच्चे पूछते हैं सर उन्नीस टेस्ट क्या है उन्नीस टेस्ट पता है क्या है बीसवा टेस्ट हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो एक्चुअल कैट का पेपर हो वो तुम्हारे लिए मॉक हो जाए ठीक है यहां एक बहुत अमेजिंग चीज है दिस इस, दिस मॉक मॉक इज यू कैन गिव फॉर आवर्स उसके बाद व्यू पे व्यू क्लिक करना में एक टॉपर आदमी कैट टॉपर तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कहीं एफ एम होता है वो भाई ड्रीम कॉलेज का बंदा कैसे इसको सॉल्व करता है वो तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएगा उसको आरसी कैसे लगे और तुमने आरसी कैसे सॉल्व किए तो भाई मैं हमेशा बोलता हूं तुम्हारा लेवल दो का है इसका लेवल पांच रुपए का होगा पर धीरे धीरे हमें इसके लेवल पे जाना है हाउ द हेल्थ दिस टॉपर इज एक्चुअली सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और बाय द वे

पढ़े हुए पढ़ने वाला बन यार तो बॉयज एंड गर्ल्स इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन मेरे को नालायक बच्चे नहीं चाहिए यार नालायक बच्चे नहीं चाहिए अगर तू रियली सीरियस है अपनी प्रिपरेशन के बारे में वॉट आई विल रिकमेंड कैन गेट एक्सेस टू दिस डैशबोर्ड इट्स अ रियली अमेजिंग स्टाफ दिस इज कॉल्ड कैट ट्वेंटी वन टर्बो कोर्स ये टर्बो कोर्स हमारा बेस्ट फुट फॉर्वर्ड है इनफैक्ट इट थर्टी थाउजेंड रुपीज कोर्स बट दर इज सम डिस्काउंट गोइंग ऑन यू एस कैन गेट इट इन फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज विच इंक्लूड्स एवरीथिंग पॉसिबल वॉट रिक्वायर्ड फॉर कैट ठीक है बट अगर देखो कैट के साथ साथ एन मैट भी करना है कहीं टॉपर लोग होते हैं सर कैट ही करना है, मेरे को बाकी कुछ नहीं करना द इंटेंसिव कोर्स इज कॉल्ड एज अर मैनेजमेंट एग्जाम कोर्स विच इज फॉर्टी टू थाउजेंड रुपीज़ दिस इज ऑल्सो एट डिस्काउंटेडेडेडेडेड रेड यू गाइज केट इट फॉर ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीजी ये मुझे पता नहीं डिस्काउंट कब तक चलेगा आई एव गिवन दिस डिस्काउंट फॉर द लास्ट थ्री मंथ्स राइट नाउ वी हेव टू रिमू इट बिकॉज एवरी कोचिंग स्टूडेंट इज इज एट फॉर्टी फॉर्टी फो फॉर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज बट आई पर्सली बिलीव दैट इफ यू गाइज कैन गेट एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ द थिंग्स वाई नॉट वाई नॉट टू गिविव इट अ लेसर प्राइज एंड डिलीवर अप टू द मार्क एज वेल अच्छा एक और बात आपको बतानी है सर आपने वर्बल तो बताया नहीं अंग्रेजी तो बताया नहीं ये सब सही है ओ भाई अंग्रेजी इतनी चीज है तू इंजीनियर है तू नॉन इंजीनियर है प्लीज मान के चलना तुम्हारी इंग्लिश वीक ही होती है हु? तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही है जब तुम एक बार अच्छा कैट का पुराना पेपर देख ले तोते उड़ जाएंगे वर्बल मैं पढ़ाता हूं भाई ठीक है वर्बल मैं पढ़ाता हूं एवरी वेंसडे Every Friday I'll be teaching you verbal ability. हफ्ते में तीन दिन मैं तुम्हारी सेवा में रहूँगा. सेवा मतलब अभी सेवा है बाद में तुम्हारे साथ फिर फाड़ूंगा और ऐसा करके मैसेज कर सकूँ मैं तुम लोगों के साल है फाड़ के आना कैट नहीं तो यू you नो know, मैं फाड़ दूंगा तुम्हारे ठीक है फाड़ के आना आए अहमदाबाद ठीक है तो एंड ऑफ द डे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा बट तुम लोगों को मेरे साथ पूरा का पूरा साथ रहना मैं तुम्हें मिलूंगा एवरी मंडे इवनिंग शाम को आ, शाम को रात रात सॉरी रात को 10 से 11 बजे वैदिक मैच होने के बाद पूरा बताऊंगा क्या पढ़ना है इस हफ्ते में जब तेरा ज्योमेट्री मॉड्यूल चल रहा है ज्योमेट्री मॉड्यूल को पूरा खत्म करना जब नंबर्स मॉड्यूल चल रहा है तो मंडे को मिलूंगा मैं बैच लॉन्च करूंगा तुम्हारे साथ बैठूंगा फिर वेंसडे को और वेंजडे को रीडिंग कॉम्पिटिशन करेंगे और वोकैबरी के अराउंड सत्तर से अस्सी वोकैबरी के वर्ड्स याद करवा के रट्टा मरवा के भेजूंगा मेरा प्रॉमिस है यू विल फॉलो न पीपल कॉल मी गॉड ऑफ वर्बल गॉड गॉड वॉर्ड तो कुछ नहीं होगा मैं दिल से पढ़ाता हूँ एंड यू विल इंजॉय इट एंड यूल बी यू विल ऑल्सो अटेंडिंग सेशन विद पीपल फ्रॉम आई लखनऊ सीमैट के टॉपर्स नारसी मुंजी के टॉपर्स हु बी देयर एट एट योर सर्विस टू टू ब्लडी टीच यू यू एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल कॉलेजेस ठीक है बच्चों इफ यू यूर की ज्वाइन दिस कोर्स अगर नहीं हो कोई बात नहीं जुड़े रहो चैनल के साथ आई बी कीप ऑन डूइंग दिस वीडियो एंड हेल्पिंग यू अप ये तुम्हारा मैंने डेली रिचुअल का स्केड्यूल बता दिया तुम लोगों को बस यार एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों के हाँ मेहनत करना यार मेहनत करना ये डेली रिचुअल्स जो फॉलो कर सकते हैं पूरा स्केड्यूल बता दिया तेरे को किताबें तेरे लिए ऑर्गेनाइज हैं और आज की डेट में अगर तुम टीयर टू सिटी से हो यार तेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दैट यू इस आर रीचिंग आउट टू मी यू इस कैन रीच आउट टू एनी ब्लडी इन द कंट्री राइट नाउ एंड गेट इट और मुझे पूरी की पूरी फीलिंग है अगली बार के जो कैट टॉपर्स होने वाले हैं ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी में ये सब टीयर टू टीयर थ्री थी की सिटी से, आए, से आएंगे जबकि पहले बॉम्बे दिल्ली क्योंकि यार इन लोगों को बेस्ट एक्सेस मिलता था हम लोग भी बॉम्बे बेस्ड थे पहले थे लास्ट ईयर नव नेशनल Uh, coaching institute right now right so yaar jo tier 2 tier 3 ke yaar, turn the world upside down you have got the world to help you right now ठीक है बच्चों ऑफ ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड इफ यू आर डूइंग एन एमबीए फॉर योर पेरेंट्स फॉर योरसेल्फ फॉर मनी व्हाटएवर इज योर गोल उसको अचीव करो और मैं भी आपके साथ जुड़ रहू, जुड़ा रहूंगा यूट्यूब तक एंड तक एंड स्टे ग्लूड बॉयज एंड गर्ल्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट ऑन द लाइक बटन एंड इफ यू वांट टू गेट टू द कोर्स आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल यू गाइस कैन गेट टू द कोर्स एज वेल गॉड ब्लेस यू गाइस कीप केलिंग कीप केलिंग ओके कीप किलिंग